एवरी वन, आज हम स्टार्ट करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चंस। लास्ट हमने करंट अफेयर्स किया था, आज के लिए सेशन में हम करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आ भी चुके हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर फॉरन एक्सचेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू अलाउ फॉरन इन्वेस्टमेंट इन LLP फॉर्म्स। सो वॉट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LLP? यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, फॉरेन एक्सचेंज को और बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या, कौन सा फॉर्म अलाउ किया है, LLP फॉर्म। और ये जो LLP है उसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LLP? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होता क्या है वो हम देखेंगे। पहले जो होता था, ये जो पार्टनरशिप नहीं हुआ करती थी, तब क्या होता था, सिर्फ नॉर्मल पार्टनरशिप होती थी तो उसमें लाइबिलिटी की कोई लिमिटेशंस नहीं हुआ करती थी, तो अनलिमिटेड पार्टनरशिप हुआ करते थे उस टाइम पे, और वो भी कितने भी पैसे उठा सकते थे। लाइबिलिटी मीन्स क्या होता है, हमारा लोन, पार्टनरशिप में कितना भी लोन उठा लेते थे लोग, उसमें कुछ लिमिटेशन नहीं होती थी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्ट किया कि एक हम ऐसे एक एक्ट लेके आते हैं जिसके थ्रू कुछ लिमिटेशंस होंगे जो भी पार्टनरशिप होती उसमें, तो उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या स्टार्ट किया, LLP। LLP क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और ये कब स्टार्ट हुआ था, 2008 में, ओके। और ये इन इफेक्ट कब हुआ था, 2009 में, 1 अप्रैल 2009 में ये इफेक्ट में आ चुका था, ओके। और ये एक हाइब्रिड पार्टनरशिप है, हाइब्रिड पार्टनरशिप इन द सेंस इसमें पार्टनरशिप और कंपनी इन दोनों का मिक्सचर करके ये LLP बनाया गया है, और इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ओके। देखते हैं अभी आगे का क्वेश्चन। द प्रोसेस बाय विच अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर कैन ट्रांसफ़र ऑल राइट्स टाइटल एंड इंटरेस्ट अंडर अ पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट टू अ थर्ड पर्सन इज़ नोन एज वॉट, असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, इसमें अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो अगर अपनी जो पॉलिसी के जितने भी राइट्स हैं वो किसी और पर्सन को दे देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी, ओके। जब कोई थर्ड पर्सन को दे देता है उसे हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी, ओके। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज पॉपुलर नेम ऑफ द नॉर्म्स बाय विच अ बैंक सेटिस्फाई इटसेल्फ अबाउट द कस्टमर्स आइडेंटिटी एंड एक्टिविटीज़। कोई भी जो बैंक है उनके जितने भी नॉर्म्स होते हैं उसमें वो अपने जो कस्टमर हैं उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो वो किसके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, KYC नॉर्म्स के थ्रू। अभी KYC क्या है, KYC स्टैंड्स फॉर, के फॉर नो, वाई फॉर योर, एंड सी फॉर कस्टमर, नो योर कस्टमर। अब ये जो नो योर कस्टमर ये क्यों होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इज़ टू प्रिवेंट बैंक्स फ्रॉम बीइंग यूज्ड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली बाय क्रिमिनल एलिमेंट्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। कोई भी पर्टिकुलर इसकी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए बैंक जो है उसे प्रिवेंट करने के लिए KYC नॉर्म्स ले किया है। नाउ व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग, जब वाइट मनी को ब्लैक मनी को वाइट मनी में ट्रांसफ़र किया जाता है उसे हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ओके। और KYC किसके थ्रू करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेते हैं, ID, आइडेंटिटी कार्ड वेरीफिकेशन लेते हैं, फेस वेरीफिकेशन लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन लेते हैं, ओके। KYC स्टैंड्स फॉर नो योर कस्टमर, ओके ओके। अभी देखते हैं आगे का क्वेश्चन। टुडे बैंक्स इन एडिशन टू नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज ऑफर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज। बैंक जो है बहुत सारे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो और भी बहुत सारे एडिशन सर्विसेज है जो वो प्रोवाइड करती, तो इनमें से कौन कौन से, इंटरनेट बैंकिंग, डिपॉजिटरी सर्विसेज, फाइनेंशियल काउंसलिंग सर्विसेज, ये सब जितने भी सर्विसेज है ये सब क्या करते हैं, बैंकिंग हमें प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से, इंटरनेट बैंकिंग हमें पता है, डिपॉजिटरी सर्विसेज पता है, फाइनेंशियल काउंसलिंग सर्विसेज मींस व्हाट, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन उसे फाइनेंशियल और बैंकिंग रिलेटेड कुछ नहीं पता है तो उसे उसकी सर्विसेज काउंसलर प्रोवाइड किया जाता है, और ये किसके थ्रू होता है, लोकल ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज प्रोवाइड करते हैं इसे, लेकिन आता है ये बैंकिंग के अंडर, बैंकिंग सर्विसेज के अंडर ही है।
ओके, अभी फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. KYC गाइडलाइंस फॉलोड बाय द बैंक्स हैव बीन फ्रेम्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ. अब ये जो हमने ऊपर देखा था KYC नो योर कस्टमर गाइडलाइंस, ये जो बनाया गया है वो किसके रिकमेंडेशन पे बनाया था? तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? RBI. व्हाट विल द आंसर? RBI. KYC जो है वो किसके रिकमेंडेशन पे बनी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम सब जानते हैं. ये इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में. ओके, देखते हैं अभी आगे का क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ RBI. RBI के जितने भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उनमें से ये सब फंक्शंस आपको ऐसे पेपर में भी पूछ जाएंगे. फंक्शंस दिए गए और उनमें से पूछा ये ऐसा कौन सा फंक्शन है जो RBI नहीं करती है. ऐसे कौन सा फंक्शन है जो RBI नहीं करती? तो हमारा आंसर क्या आएगा? ओपनिंग सेविंग अकाउंट्स फॉर जनरल पब्लिक, मेंटेनिंग फॉरेक्स इन द सेंस फॉरेन रिलेटेड जितने भी एक्सचेंज होते हैं ये सब RBI करती है. बैंक रेट डिसाइड करती है, CRR डिसाइड करती है, SLR डिसाइड करती है टाइम टू टाइम. अब ये सब जो टर्म्स है ना वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. ओके, फिलहाल के लिए सिर्फ आप इतना याद करके ये कुछ रेट्स है जो RBI डिसाइड करती है. ओके, और प्रिस्क्राइबिंग द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जितने भी एडिक्वेसी रेशियो है ये कौन डिसाइड करता है? RBI. और करेंसी मैनेजमेंट का, जितने भी पैसे हैं उनका मैनेजमेंट का काम कौन करता है? RBI. और क्या काम नहीं करती है RBI? ओपनिंग सेविंग अकाउंट्स फॉर जनरल पब्लिक नहीं. RBI जो है वो बैंकों का बैंक है, जितने भी बैंक है उनका भी जो बैंक होता है वो होता है हमारा RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, अभी देखते हैं आगे का क्वेश्चन. द नेम of which of the following rates ratios cannot be seen in the financial newspaper, means ऐसे कौन से rate है जो exist नहीं करते हैं. पर हमने देखे थे bank rate होता है, repo rate होता है, statutory SLR, statutory liquidity ratio, cash reserve ratio, ये सब हम detail में पढ़ने वाले हैं आगे. लेकिन आप सब इतना याद रखिए ये सब जो होता है वो कौन decide करता है? RBI decide करता है. और जो pulse rate है ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सब रेशियो होते हैं, रेट होते हैं लेकिन पल्स रेट नहीं होता. और ये सब कौन डिसाइड करता है? RBI इटसेल्फ. ओके, देखते हैं अभी आगे का क्वेश्चन. ओके, 10 रुपी नोट कंटेन द सिग्नेचर ऑफ, जितने भी नोट्स होते हैं उन सब में सिग्नेचर जो होता है वो किसका होता है? गवर्नर का होता है, RBI के. जितने भी नोट्स है, सिर्फ जो 1 रुपी नोट होती है ना उसमें फाइनेंशियल सेक्रेटरी की क्या होती है? साइन होती है. अभी हमारे प्रेजेंट फाइनेंशियल सेक्रेटरी कौन है? अतानु चक्रवर्ती. इनकी साइन सिर्फ कौन से नोट पे होती है? 1 रुपीज़ नोट. और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रिप्रेजेंट करते हैं. और ये जो जितने भी नोट्स है बाकी के वो सब कौन बनाते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और उसमें साइन भी किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का. अभी प्रेजेंट गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट गवर्नर है वो कौन है? शक्ति कांता दास. और कौन से नंबर के है ये? 25th नंबर के गवर्नर है. ओके, चलो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर रेगुलेटेड यूजुअली बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द लैंड, हु कंट्रोल्स दिस फंक्शन इन इंडिया. जितने भी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है पूरे वर्ल्ड में इन सबको रेगुलेट किस मेथड से किया जाता है? मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द लैंड. अब इसे कौन, ये जो फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी अथॉरिटी वी कैन से, इसे भी कौन कंट्रोल करता है? RBI कंट्रोल करता है. ओके, अब ये मॉनेटरी अथॉरिटी क्या होता है वो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे. अभी जैसे समझिए ये हमारा पैसा है, जितना भी हमारे मार्केट में है तो उसे क्या करना पड़ता है? हमें बैलेंस करना पड़ता है. मींस अगर वो पैसा ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, और अगर कम हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन. ओके, और इसे हमें क्या करना पड़ता है? बैलेंस, मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए, तो उसे हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं. और किसके थ्रू बैलेंस किया जाता है? मॉनेटरी पॉलिसीज़ के थ्रू किया जाता है. मॉनेटरी अथॉरिटी करती है उसे बैलेंस. और ये काम किसका होता है? ये कौन किसका फंक्शन होता है? ये RBI का फंक्शन होता है. और इसके ही सब रेट्स होते हैं जो हमने ऊपर देखे थे, CRR, SLR, इन सबको मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के ये सब रेट्स होते हैं. ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10th वन.
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर बी आई हैज़ डिसाइडेड टू अंडरटेक मिड क्वार्टर पॉलिसी रिव्यूज़। अभी जो आर बी आई के जितने भी मॉनिटरी पॉलिसीज की जो बैठक होती है, अथॉरिटी होती है, वो बाई मंथली होती है। बाई मंथली मतलब हर दो मंथ में ये जो अथॉरिटी है वो एक मीटिंग करती है और वो जितने भी रेट्स हैं उन्हें डिसाइड करती है, उन्हें कम करना है, ज़्यादा करना है, डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, उसे बैलेंस करने के लिए। तो ये जो मिड क्वार्टर पॉलिसी मीन्स 6 मंथ के बाद जो पॉलिसी रिव्यू होता है, जो बाय मंथली पॉलिसी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिड क्वार्टर पॉलिसी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऐसे कौन सा रीज़न है आरबीआई डिसाइडेड टू अंडरटेक द मिड क्वार्टर, क्यों उन्होंने मिड क्वार्टर पॉलिसी रिव्यू बनाया है, कि ये मिड क्वार्टर क्यों होनी चाहिए स्पेसिफिकली। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, तीनों भी ये जो रीज़न है ये वैलिड है, टू रियलाइन इट्स पॉलिसी, टू टेक स्टेप्स इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट, जितने भी पॉलिसी उसे रियलाइन करने के लिए ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिससे पैसा जो है मार्केट में वो स्मूथली फ्लो हो सके, और टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द इकोनॉमी, जो भी इकोनॉमी है पैसा उसे एक गाइडेंस के लिए। ओके, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ द अबोव मीन्स ऑल 1, 2 and 3। ओके, आई विल गो विद द 11th क्वेश्चन, दिस एज पर द रिपोर्ट्स द कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज़ गॉन अप अबाउट 19% इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस ये आपने सुना होगा, तो ये जो डायरेक्ट टैक्सेस है इसकी जो एजेंसी से कौन कंट्रोल करता है, टैक्स कलेक्शन का काम किसका होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्या करती है, जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम, गॉन अप टू अबाउट 19%। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रिलीजेज द फिगर्स, अब ये जो फिगर यहाँ पे बताए गए कि इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया, तो इसे कौन फिगर, ये जो फिगर्स हैं इन्हें कौन जारी करता है, इन्हें करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBDT। ओके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, आई विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, as we know commercial banks accept deposits from the public, yes, bank kya karti hai, humse deposits lete hain, what do banks with this money, aur in paiso ka bank kya karti hai, yes, in paiso ka bank kya karti, this is a type of credit creation, ye market mein paisa lane ke liye aur fir us paiso ko kya karenge, loan pe de denge aur fir usse jo profit milta hai usse, और ये क्या करते हैं, लोन दे देते हैं। ओके, दिस इज़ टाइप ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, बैंक गिव्स दिस ऑन लोन, क्रेडिट क्रिएट करने का काम मीन्स पैसे हमसे लेते हैं और फिर उसे ही लोन पे दे देते हैं ताकि वो और एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सके। ओके, अब देखते हैं 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ चेक इशूड बाय एन इंडिविजुअल, अभी पेपर में आपको चेक रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, तो ऐसे ही एक टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ चेक मीन्स सब इनमें से कौन सा चेक है जो होता ही नहीं है, वो कौन सा है, सेविंग चेक नहीं होता है, बियरर चेक आपको पता है, जैसे ये पर्टिकुलर चेक है इसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है यहाँ पे लिखा जाता है यहाँ पे साइड में, और बियरर मीन्स अगर यहाँ पे किसी ए पर्सन का नाम लिखा है और कोई बी पर्सन जाके इसे विड्रॉ कर रहा है बैंक में जाके, तो भी उसे क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बियरर चेक। बियरर चेक मतलब उस टाइम पे जो भी बैंक में जाके उसे विड्रॉ कर लेता है उस पैसों को, चेक को लेके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बियरर चेक। लेकिन अगर ये जो यहाँ पे लिखा होता है और बियरर चेक में लिखा होता है, अगर उसे मैं कट कर दूँ अगर और यहाँ पे लिख दूँ ऑर्डर चेक, तो इसका मीनिंग क्या होता है, अब यहाँ पे जिसका नाम लिखा गया है चेक पे उसी को ये पैसा मिलेगा, कोई एक्स वाई जेड पर्सन आके इस चेक को विड्रॉ नहीं कर सकता और उसे कैश भी नहीं मिलेगा, तो ये होता है ऑर्डर चेक। अभी क्रॉस चेक क्या होता है, ये देखो ये चेक है, इसमें इस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा और मैंने यहाँ पे कर दी क्रॉस साइन, डबल क्रॉस साइन, इसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस चेक बोलेंगे। अब ये जितना भी अमाउंट होगा, जैसे 10,000 है, तो ये जितना भी अमाउंट है उसे कैश नहीं मिलेगा, डायरेक्टली उसके अकाउंट में जाएगा, किस पर्सन के, जिस पर्सन का यहाँ पे नाम लिखा है, जैसे ए पर्सन का नाम लिखा है तो उसके अकाउंट में डायरेक्टली इतना पैसे जमा हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, सेविंग चेक। सेविंग चेक का कोई टाइप का चेक नहीं होता, पेपर में आपको चेक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए बियरर चेक क्या होता है, ऑर्डर चेक क्या होता है, क्रॉस चेक क्या होता है। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड इन बैंकिंग मीन्स इनमें से ऐसे कौन से टर्म्स है जो बैंकिंग में यूज़ किए जाते हैं, वैक्यूम, पावर, डेंसिटी, ऑब्वियसली ये सब यूज़ नहीं किए जाते, कौन सा टर्म है जो बैंकिंग में यूज होता है, वो यूज़ होता है क्रेडिट कार्ड। ओके, अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड,
सेंसिटिव इंडेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंसेक्स। अभी सेंसेक्स क्या है, हम इसे बोल सकते हैं यूज टू ऑब्जर्व ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज। मतलब कोई भी इंडेक्स होता है ये एक टाइप का, जिससे हमें समझ में आता है कौन सी कंट्री का कौन सी इंडस्ट्री का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितनी इकोनॉमी अप एंड डाउन जा रही है। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसे ही देख के क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में यूज़ होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेंसेक्स। ओके, आज के लिए फिर इतना ही। आई होप सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि बैंकिंग अवेयरनेस में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो थैंक यू।